वो मजबूर हो रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसलिए अब तक जो न्यायालय वो हंसते हुए पहुंचते थे, आज वो जरा मायूस पहुंचे थे। तो और भी जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनसे से हम जरूर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हेमंत सोरेन का समर्थन वो किस रूप में करेंगे और आने वाले दिन में वो किस तरह से हेमंत सोरेन का साथ देंगे। तो ये देख रहे हैं तस्वीर, अभी भी यहाँ जो जेएमएम के कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। आप तो हर जगह हेमंत जी का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचते थे, आज हेमंत जी बहुत निराश उदास दिख रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई इंसान को एक प्रशासन पकड़ लेती है, उसको हाव भाव खत्म हो जाता है, लेकिन हाव भाव हेमंत सोरेन का बहुत अच्छा था, काबिले तारीफ था। उन्होंने जनता से मिले, हाथ दिए, बल्कि हाथ मिलाए, यहाँ तो रोक दिया जा रहा, आप जेल चल जाइएगा। जेल क्यों जाएंगे? हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने आए, जेल चले जाएंगे मेरे भाई। वो मर्डर किया, मर्डर तो नहीं किया, डकैती किया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से बोला गया, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे पे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, वो सर नहीं झुकाए। 3.5 करोड़ जनता की मान सम्मान जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, उनके सर को ऊंचा बुलंदी करने किए किए 3.5 करोड़ जनता की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोग सलाम करते हैं, और जल्द से जल्द वो बाहर आएगा और 2024 में उसकी औकात हम लोग पता लगा देंगे। बिल्कुल, और भी जो जेएमएम के नेता हैं उनसे पूछते हैं, क्या कहेंगे आज फिर से एक बार हेमंत जी को जेल भेज दिया गया है, क्या कहेंगे? ऐसा है, अब ये ईडी के लिए सांप सुचुंदर का मामला बन गया। मामला ये है कि उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट रूप से विधानसभा में यह बात कहा कि भाई आप जिस मामला पे आप हमको जेल भेजे हैं, आप उस पे हमको डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाओ, आप पेपर लेके दिखाओ, मेरे नाम से कोई मामला है, हम विधानसभा से सदस्यता नहीं राजनीति छोड़ देंगे। अभी तक आपने उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तो निश्चित रूप से यह बात है कि भाई जो मामला नीतीश के साथ हुआ है वही मामला आप राज्य में करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, तो खिसियाही बिल्ली खम्भा नोचे यही मामला हो रहा है, जबरदस्ती का उनको और एक कैदी की तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक विद्वेष के साथ, गुस्से के साथ और दुश्मनी निभाने के नियत से ये बदले की भावना से किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन निर्दोष है और बहुत कम समय में वह बाहर आएंगे। अब हम ये जनसमूह न्यायालय उनके साथ है और न्याय मिलेगी उनको, और निश्चित रूप से जनसमूह पूरे इलाके में कल से पूरे गांव में डुगडुगी बज रहा है, और सारे लोग अपने पंचायत में इस बात के लिए मंथन कर रहे हैं कि आखिर किन बिंदुओं पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, जो संघर्ष से आया हुआ संघर्ष का बेटा है, उसको कैसे आप जेल में डाल दिए, इस पर एक डुगडुगी बचा के पंचायत में लोग बैठ रहे हैं और एक उग्र आंदोलन होने जा रहा है, एक उग्र आंदोलन वहां होने जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसी आप कल देखेंगे, आज सब लोग यहाँ उपवास में लोग यहाँ बैठे था, कल यहाँ उपवास में आज बैठे था, और यह अभी परंपरा चलेगा। निश्चित रूप से आप कल से देखेंगे गांव-गांव के हर पंचायत में लोग उनके समर्थन में और ईडी के खिलाफ में ईडी के खिलाफ में लोग बैठ रहे हैं। और मैं ये बात फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर जो नीतीश कुमार ने जो काम किया, अगर वह हेमंत सोरेन कर लिए होते तो आज उनके हमाम में नहा के वो पवित्र साफ होते, आज वो मुख्यमंत्री होते। सिर्फ दोष ये है कि उनकी बात नहीं मानी गई, और ये लोकसभा की तैयारी है, लोकसभा में झारखंड में उसका पैर उखड़ता दिख रहा है बीजेपी का, तो उसने उन्होंने ये इस काम को किया है, और जब वो नहीं कर सका तो अब क्या करना था, तो कहीं ना कहीं अपने पक्ष को बचाना था, अपने पक्ष को बचाने के लिए उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, और इस केस में कोई भी सच्चाई नहीं है, निश्चित रूप से बाहर होंगे। आज हेमंत जी बड़े मायूस थे, क्या कहें? मायूस, लोगों की चिंता को देखें, उनके लोग परेशान हैं, उनके क्षेत्र में लोग परेशान हैं, 3.5 करोड़ जनता उनके फिक्र में रोड में है, आज उपवास लोग किया था, गांव-गांव में बैठ रहा, इसका चिंता उनको है, अपनी चिंता नहीं है, चिंता उनको इस बात की है कि जनता परेशान है, उनको उनके लिए वो चिंतित हैं। अपना परिचय दे दे। मेरा नाम खुर्शीद आलम है, कहाँ के झारखंड के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व जिला सचिव और झारखंड चिन्हित आंदोलनकारी। क्या कहेंगे आप लोग हेमंत सोरेन जी को आज जेल भेज दिया गया?
नहीं, उनके पास तो अन्याय किया गया है। अरे पूरा झारखंड के लोग हैं, नहीं पूरा देश जान रहा है कि हेमंत जी को अन्याय किया गया और एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। इससे बीजेपी वाला ही नुकसान होगा। केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है अपना वोट बैंक बचाने के लिए और इनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि आदिवासी नेता पूरे देश में इनका बढ़ रहा था, कद बढ़ रहा था, उसको नीचे करने के लिए बीजेपी एक तरह साजिश के तरह इसको फंसाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जेल से हम लोग गड़बड़ाते नहीं है, कल न परसों आएंगे हम लोग के बीच में और उनका कद ऊपर होगा और गुरु जी की तरह उनका भी पूरा देश में उनका नाम होगा। हेमंत जी बड़ी मायूस थे आज, अब तक जब न्यायालय आते थे तो हंसते थे मुस्कुराते थे, लेकिन आज बड़ा मायूस थे। मायूस इसलिए इसको ऐसा रखा जा रहा है, इसको टॉर्चर करके रखा जा रहा है, बंद कमरे में रख रहा है, तो कोई भी आदमी को तो दिक्कत होगा ही, और कोई बात नहीं है, बाकी जनता उनके साथ में है और आने वाला दिन उनका हिसाब मिलेगा। अभी क्या कहेंगे हेमंत जी को जेल भेज दिया? वो तो एक साजिश के तहत जेल भेजा गया है। बीजेपी का जो षड्यंत्र है उसी के तहत ईडी काम कर रही है और एक आदिवासी मूलवासी का नेता को, लोकप्रिय नेता को फंसा दिया गया है। वो माननीय अदालत से निर्दोष साबित होकर फिर फील्ड में आएंगे, झारखंड के जनता के साथ आएंगे और एक बार जोरदार आंदोलन होगा। तो बिल्कुल देखिए, आप ये देख रहे थे तस्वीर व्यवहार न्यायालय से, जो जेएमएम के नेता थे, कार्यकर्ता थे। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेम को मोड़, धनबाद, एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।